नए वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर है। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अलग बात करेंगे। बाहर आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई बताएगा कि कैसे आप लोग एक क्लीन शेप से अपने लुक को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो। मतलब क्लीन शेप के एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा कि पहले मैं अपने फेशियल हेयर कैसे रखता था और अब मैं क्लीन शेप क्यों रखता हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कितने चेंजेस आते हैं, कैसा क्या लुक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारी बात करने वाले हैं। तो आपको करना बस ये है कि वीडियो के एंड तक बने रहना। भाइयों के दिमाग में क्वेश्चन वगैरह भी रहते हैं बहुत सारे कि भाई हम लोग अगर ब्लेड वगैरह अपने फेस पे लगा लेंगे तो उससे हमारे बाल ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, या फिर फेस ख़राब हो सकता है, या फिर हमको बहुत ज़्यादा बाल आने लगेंगे, अगर हम आगे जाके बियर्ड वगैरह रखेंगे तो वो अच्छी नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारे कन्फ्यूज़न भी क्लियर करने वाला हूँ कि ये सारी बातें सही है या फिर नहीं, ये मीथ वगैरह है क्या। तो आज हम लोग ये भी क्लियर करेंगे, तो वो आगे जाके करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि आपको क्लीन शेव रखना क्यों चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है वो है हाइजीन। अब मैंने इसको हाइजीन से इसलिए रिलेट किया है क्योंकि जब भी आप क्लीन शेव रखते हो तो आप एकदम क्लीन दिखते हो, एकदम क्लियर दिखते हो, मतलब आप एकदम फ्रेश दिखते हो। जिससे अगर हम लोग कंपेयर करें एक बियर्ड वाले बंदे में और एक क्लीन शेव वाले बंदे में, तो बियर्ड वाले बंदे को अगर फेस वगैरह पे जब वो वॉश वगैरह करता है या फिर कुछ भी लगाता है अपने फेस पे, तो वो इतने पार्ट में लगा सकता है जहाँ पे उसको फेशियल हेयर नहीं है, बाकी बियर्ड वगैरह पे तो नहीं लगा सकता। लेकिन हम बात करें अगर क्लीन शेव वाले बंदे की, तो वो अपने पूरे फेस को कवर कर सकता है, जो भी वो लगाता है फेस वॉश वगैरह, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह वो अपने पूरे फेस पर लगाता है। तो मान लो अगर बियर्ड रख रहा है उस बंदे को अगर पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो वो पिंपल्स वगैरह अंदर ही गंदगी बढ़ती रहती है, वो उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं कर पाता जिससे पिंपल्स हटे, तो वो अंदर ही गंदगी बढ़ती रहती है। हाँ, दूसरे लोगों को नहीं दिखता है लेकिन वो अपने फेस को अंदर ही अंदर ख़राब कर रहा है। लेकिन बात अगर अब क्लीन शेव वाले बंदे की करें, यानी मेरे जैसी बंदे की करें, तो इसमें सब कुछ क्लियर दिखता है कि हमारे फेस पे क्या है। हम लोग अगर पिंपल वगैरह या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको अच्छे से रिकवर कर सकते हैं उस पर चीज़ें लगा के। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हाइजीन आता है, कि बियर्ड वाले बंदे की जो हाइजीन की जो चीज़ें रहती है वो थोड़ी अलग रहती है, कम रहती है, और एक क्लीन शेव वाले बंदे की जो हाइजीन हम लोग बोल सकते हैं वो अच्छी रहती है। हमारा दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि एक सर्वे में देखा गया था कि वुमेन्स और गर्ल्स को बियर्ड के मुकाबले क्लीन शेव वाले बंदे कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं। अच्छा है वैसे। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्लीन शेव में आप एकदम अट्रैक्टिव लगते हो, एकदम कूल से लगते हो। हाँ, बियर्ड का एक अलग ही फैन बेस है वो माना, लेकिन बियर्ड हर किसी बंदे पर अच्छी नहीं लगती, उसके लिए एक मस्कुलर बॉडी वगैरह हो तो अच्छी लगती है। मतलब हम जैसे पतले बंदे अगर बियर्ड रखेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आप अट्रैक्टिव लगते हो, आप कूल लगते हो, और इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाली आपसे बात करें। थर्ड और लास्ट एडवांटेज की बात करते हैं कि अगर आप एक कॉलेज जाने वाले बंदे हो या फिर स्कूल जाने वाले बंदे हो या फिर जॉब वगैरह करते हो, तो क्लीन शेव आपको एक प्रोफेशनल सा लुक देता है। मतलब आपका एक कॉन्फिडेंस अंदर ही बिल्ड करता है और एक डिसेंट सा लुक देता है। तो थर्ड एडवांटेज यही है कि क्लीन शेव अगर आप रखते हो तो आपको एक प्रोफेशनल सा लुक देता है, कि अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ पे एक अलग ही डिसेंट सा लुक होता है। आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें मान ली कि हाँ ठीक है भाई, ये तीन चीज़ें ऐसी है, अब आपका मन हो गया क्लीन शेव रखने का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमको क्लीन शेव वगैरह कब से रखनी चाहिए, यानी रेजर वगैरह हमको कौन सी एज में लगाना चाहिए। तो अगर मेरी बात मानो, या फिर मेरी बात क्या, मतलब अगर आप कहीं पढ़ो तो वहाँ पे लिखा भी होगा कि आप अपने फेस पे रेजर वगैरह 16 के बाद से लगा सकते हो, यानी 16 साल के बाद आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इससे पहले अगर आपके फेस पे अनवांटेड हेयर्स वगैरह, फेशियल हेयर्स वगैरह आ रहे, तो आप जो ज़ीरो मशीन वगैरह रहती है, ट्रिमर वगैरह, इससे आप कर सकते हो। देखो, ट्रिमर वगैरह का क्या रहता है ना कि उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आती है जो फिनिशिंग रेजर से आती है। तो 16 साल से पहले अगर आपके फेस पे ऐसे कुछ अनवांटेड हेयर्स वगैरह आ रहे, तो आप जीरो मशीन ट्रिमर वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन 16 साल के बाद आप रेजर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रेजर से जो क्लियरिटी आती है वो ये ट्रिमर वगैरह से नहीं आती है। तो आप 16 साल की एज के बाद से आप रेजर यूज़ करना शुरू कर सकते हो। तो जो मेरे भाइयों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चन है कि किसी ने आपको कभी ना कभी बोला ही होगा, मेरे को भी बोला था कि अगर आप एक बार फेस पर रेजर वगैरह लगा लो तो उससे बाल बहुत जल्दी जल्दी वापस आते हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोग एक ट्रिमर वगैरह या फिर जीरो मशीन भी यूज़ करोगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपने एक बार यूज़ करी और फिर बाद में आपको यूज़ करना ही नहीं पड़ी। तो आप ट्रिमर यूज़ करो, आप रेजर यूज़ करो, आप जीरो मशीन कुछ भी यूज़ करो, आपको बाल आएंगे ही। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि रेजर लगाने से बाल बहुत ज़्यादा बार बार आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो उनका शेड्यूल रहता है बालों का, उस हिसाब से ही वो बाल आते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक वीक में कितनी बार शेव करते हो। कि कोई बोलता है कि रेजर या शेविंग करने से बाल हमारे जो फेशियल हेयर है वो एकदम कड़क हो जाते हैं,
तो ये बात भी मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल गलत है। हाँ वो बात सही है कि कड़क हो जाते हैं, लेकिन जो बाल कड़क कब होते हैं कि जब आप लोग शेविंग करना एकदम रोजी करना शुरू कर दो, या फिर आप शेविंग करने से पहले जो फॉर्म वगैरह जेल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो अपने फेस पे, बिना कोई क्रीम लगाए अपने फेस को शेव कर रहे हो, तो उससे जो है वो हमारे जो हेयर्स है वो एकदम कड़क हो जाते हैं, बाल कड़क हो जाते जिसको बोलते हैं। तो ये इसके दो रीज़न है कि अगर आप शेव रेगुलरली करोगे तो आपके, जाहिर सी बात है भाई, बाल आपके कड़क हो जाएंगे, और अगर आप बिना कोई जेल फॉर्म वगैरह के अगर डायरेक्ट आप उसको शेव करते हो तो भी बाल कड़क होते। तो ये दो रीज़न, आप ये दो चीज़ें अगर आप नहीं करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेज़र लगाने से आपके बाल कड़क हो जाएंगे। भाई अगर आप लोग चाहते हो कि आपका लुक थोड़ा सा चेंज हो, आप बोर हो गए हो अपने लुक से, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मतलब अगर आप वाला फैशन फॉलो कर रहे हो जो मैंने बताया थोड़े यहाँ, तो भाई एक बार क्लीन शेव करके देखो, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। वैसे भी अभी लॉकडाउन है, आप लोग कहीं बाहर वगैरह जा नहीं रहे हो, तो अगर आपको थोड़ा अटपटा सा लगे, वैसे पहली बार करोगे तो अटपटा सा लगता ही है, मेरे को भी लगा था, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसको कंटिन्यूसली वो करते रहोगे तो आप अपने फेस को उस मैनर में देखने लग जाओगे, तो आपको आदत हो जाएगी। तो मेरी राय मानो तो आप ये क्लीन शेव वाला एक्सपेरिमेंट एक बार करके देखो, क्या पता आपके फेस पर ही सूट कर जाए। और अगर मेरे किसी भी भाई को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को क्या रखना चाहिए, कैसे क्या रखना चाहिए, इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से भी रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो इंस्टाग्राम पर मेरे को DM करो, अपन आराम से बातचीत वगैरह अगर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक तो कर ही दोगे, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब करके रखा ही होगा। नहीं करा, क्या कर रहे हो भाई, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करना, अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखना है तो मेरे आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो, थोड़ा अभी थोड़ा नया नया काम चल रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर।